वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिसकी सवारी कोई करना नहीं चाहता। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पे विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है। तो जो कुछ कांग्रेस में हो रहा है उसको लेकर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, इतनी लंबी चौड़ी बैठकें चली, प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद भी अगर कोई हल ना निकल पाए तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो तो आपके मजे लेगी, जैसा कि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा लेते हुए नजर आए। देखिए, भाजपा के लिए तो एक अपने आप में अवसर है, क्योंकि जब कांग्रेस में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर का चल रहा था, यहाँ तक कि ये बात आई थी कमलनाथ के साथ उनकी बैठक हुई है, दो बार कमलनाथ के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है, सोनिया गांधी और कमलनाथ और प्रशांत किशोर की, उसके बाद दो बार कमलनाथ जो है वो सोनिया गांधी से अकेले में मिले, तो मध्य प्रदेश और उसके बीच में एक रतलाम में यदि आपको याद हो तो कमलनाथ का बयान भी आया था कि हम प्रशांत किशोर पर डिपेंड नहीं है, तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं नेताओं के उसमें सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों उस टीम में शामिल थे जो प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में चर्चा कर रहे थे और एक एक्शन ग्रुप बनाया जाना था। तो आज भाजपा को स्वाभाविक रूप से मौका मिला ये तंज कसने का कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर शामिल हो। और शुक्रिया नितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो गृह मंत्री ने कहा है कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी, प्रशांत किशोर को उन्होंने योग्य बताया और कहा कि इस डूबते हुए जहाज की सवारी कोई करना नहीं चाहता।